मैं जानता हूँ आप यहाँ मुझसे क्या कहने आए, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि मैंने सिर्फ आरजू की है, आरजू पूरी करने के लिए इसरार नहीं किया। अरे वाह, क्या आरजू की है भाई तुमने, पूरे खानदान पे बम फोड़ दिया है। कईयों की सांसें थम गई हैं तो कईयों के दम निकल गए, और तुम बैठे हो इनोसेंट बन रहे हो। वहां से भी सिग्नल मिला है क्या? सिग्नल मतलब? ये लंदन में सिग्नल को बस सिग्नल ही समझते हैं। वो हरी बत्ती जलती है ना, उसको कोई और मतलब होता है? हाँ मतलब गाड़ी चलाए और निकल जाए। तो माहिन ने कहा कि मियां गाड़ी चलाओ और निकल जाओ। यार पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं दस्तूर अंकल। बोल दिया उसको? किसको? माहिन को और किसको? अच्छा उसके तो फरिश्तों को भी पता नहीं है। तो तुम्हें कैसे पता? मरने का इरादा है क्या? फौरन से पहले बयान बदल दो, बल्कि मेरी मानो तो अम्मी बेगम से भी जाकर बोल दो कि तुमने ये सब मजाक में बोला था। मैंने सब कुछ पूरी सच्चाई से कहा है। अगर आप चाहते हैं कि माहिन की शादी गुलरे से हो जाए तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। और मैंने दिल की बात सुना के किसी खानदानी रिवायत को नहीं ललकारे दोस्तों का, ना ही ये जिद की है कि आप अपने फैसले बदल लें। आप वही करें जो तय हुआ और खुश हो जाइए। इस बार भी इंसाफ का भरम रखने के लिए किसी के अरमानों का खून बहेगा। तुम्हारी बातें सुनकर यूं अंदाजा होता है कि माहिन भी यही चाहती है। वो तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, वो तो बस मुझे लगा कि अगर मुझे शादी करनी चाहिए तो बस माहिन से। दिल की इस बात को हमेशा के लिए दिल में रख सकोगे? ऑफ कोर्स, दिल से निकल के अब बाहर कहां जाएगी? उस बदमिजाज लड़की के सामने तो मुंह की बात नहीं की जा सकती, दिल की बात कोई खाक करेगा क्या? बेबस फीलिंग्स अंकल, भी दबाई जा सकती है। पैदा होते ही छोटे बच्चे का गला घोट दिया जाए ना तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती। तो अम्मी बेगम से क्या कहूं? कुछ भी कह दीजिए, बस ये ना कहिएगा कि मैंने बात मजाक में कही थी। फीलिंग्स दब जाती हैं, सच्चाई नहीं दबती अंकल।